हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटेंस। आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आपको पता है जब हम कैपेसिटर को बनाते हैं तो उसमें हम दो कंडक्टर को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है सिलेंड्रिकल की, तो यहाँ पर जो दो कंडक्टर होंगे वो हमारे किस शेप में होंगे? सिलेंड्रिकल शेप में। तो हमने ले लिया एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर वन है और सेकेंड की रेडियस आर टू है। सेकेंड वाले को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, फर्स्ट को हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं और बाय सोर्स फर्स्ट सिलेंडर के आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और सेकेंड जो सिलेंडर है उसके आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो इसका कैपेसिटर फाइंड करने के लिए हमें सी फाइंड करनी है, तो वी चाहिए और वी के लिए ई चाहिए। तो अब देखो, ये अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो एक ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ई इक्वल टू 1/2πε0Q/L×R। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है वो होता है dV = −E·dr। अब यहाँ पर देखिए, ई की जो डायरेक्शन होगी वो कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर होगी आउटवर्ड, और आर की भी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? आउटवर्ड। कहने का मतलब जो रेडियस है, ये रेडियस है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस साइड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना होगा? जीरो। तो क्या होगा? dV = −E·dr cos0, और cos0 1 रखेंगे तो क्या आएगा? −E·dr। अब हमें इन कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? ·E·dr। और कहाँ से कहाँ तक करोगे? R2 से R1। तो यहां लिखोगे R2 R1, तो इक्वल टू अब −R2 R1। अब E की वैल्यू क्या है? 1/2πε0Q/L×R·dr। देखो, तो जो लेंथ किसकी है? सिलेंडर की है, तो कांस्टेंट है, चार्ज भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट चीज है उसको हम क्या ले लेंगे? भार ले लेंगे, −1/2πε0Q/L×R·2 R1 1/R·dr। अब देखिए, इसका जब इंट्रीगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? −1/2πε0Q/L। देखो, जब 1/R का इंट्रीगेशन करेंगे तो R को ऊपर ले जाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी? माइनस में। और जब किसी का इंट्रीगेशन करते हैं तो पावर में एक ऐड हो जाता है, और जो 1/R का जो इंट्रीगेशन होगा वो लॉग में होगा। किसमें होगा? लॉग में। तो इसका जो इंट्रीगेशन आएगा वो क्या आएगा? लॉग R, और लिमिट कहां से कहां तक? R2 से R1। अब इसकी लिमिट रख देंगे। लिमिट किस तरीके से रखते हैं? −2πε0Q/L। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? log R1 − log R2। तो आगे क्या होगा? −1/2πε0Q/L, और log R1 − log R2 को हम क्या लिख सकते हैं? log R1/R2। तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया? वी फाइंड हो गया हमारा ये। अब C = क्या होता है? Q/V। C = Q/V, और V हम फाइंड कर चुके हैं। V हमारा कितना है? −1/2πε0Q/L log R1/R2। यहाँ पुट कर दीजिए तो Q से Q क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 2πε0L कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या होगा? 2πε0L, ठीक है, और ये वाली चीज किस में आएगी? log R1/R2। दिस इज अ फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। थैंक यू फ्रेंड।